अभी आपका जब मशीन आप खोलेंगे तो ऐसा रहेगा पावर कनेक्ट करने के बाद में ठीक है आप होम प्रेस कर दीजिए अगर होम पर नहीं है तो उसके बाद में ये जो ट्रायंगल बटन है ऑन द टॉप ये वाला बटन और ये जो अप एंड डाउन वाला बटन है उसको दोनों को साथ में दबाना है साथ में प्रेस करेंगे तो आपका सेटिंग ओपन हो जाएगा सेटिंग में सबसे पहले आपको दिखेगा देखिए दिखे एप ऐप अगर आपका प्रिस्क्रिप्शन ऑटो सी पैप का है तो इसको ए पैप पर रहने दीजिए फिर आएगा मैक्सिमम प्रेशर अगर आपका मैक्सिमम प्रेशर का जो सेटिंग है प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ वो आप यहाँ पर चेंज करने के लिए अप एंड डाउन दबा सकते हैं अगर आपको सपोज कीजिए ट्वेंटी से नाइनटीन करना है तो इसको नाइनटीन कर दीजिए और नहीं करना है तो आपको एज इट इज रख सकते हैं इसको ठीक है ये मिनिमम प्रेशर है मिनिमम प्रेशर भी आपको प्रिस्क्रिप्शन फॉलो करना पड़ेगा

जो आपका रैम का टाइम है उसके अंदर में आपका फोर प्रेशर ही रहेगा और धीरे धीरे बिल्ड होगा ये प्रेशर ये सी सी प्लस बाई डिफॉल्ट अगर आप देखेंगे तो शायद आपका ऑफ में रहेगा ये जब नया मशीन आप ओपन करेंगे तो इसको आपको देखना है कि आर वन आर टू आर थ्री नहीं करना है इसको इधर वन या टू पर रखना है ये सीसी प्लस का मतलब होता है कि जब आप सांस ले रहे हैं तब तो मशीन प्रेशर पुश कर रहा है सांस जब छोड़ रहे हैं तो मशीन आपको कुछ सेकेंड के लिए प्रेशर को ड्रॉप कर देगा जिससे आप आसानी से सांस को छोड़ सकते हैं तो सांस छोड़ने के लिए आपको आ, वन और टू और थ्री तक का सेटिंग है इसके अंदर कि कितना आपको ड्यूरेशन की आवश्यकता है पहले आप वन या टू से शुरू कर सकते हैं अगर आपको अनकंफर्टेबल लगता है तो इसको आप थ्री भी कर सकते हैं बट वन या टू रिकमेंडेड है आई फाई का मतलब होता है कि ऑटो स्टार्ट मतलब आप मास्क अगर लगाएंगे आ, फेस पर तो आपका ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा मशीन और जैसे ही मास्क निकाल लेंगे ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा ये अभी हम कनेक्ट करके देखेंगे तब आप देख सकते हैं यह है सेटिंग ट्यूबिंग का कि आपका ट्यूबिंग का क्या साइज़ है अभी ये ट्यूबिंग का साइज़ 15 है तो आप 15 लगा दिए अगर आपको मोटा ट्यूब मिलता है तो आप 22 रख सकते हैं अगर आपको मालूम नहीं है कि कौन सा ट्यूब है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और ये जो तीन डॉट है ट्यूब और मास्क दोनों कनेक्ट करने के बाद में यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ले लेगा कि क्या ट्यूब का साइज़ और लेंथ है तो अभी मैं फिलहाल फिफ्टीन पर रख रहा हूँ इसको ये मास्क टाइप है कि आपको मास्क का कौन सा टाइप रखना है तो मास्क टाइप आपका ये जो है तो इसको आपको यहाँ पे सी सेलेक्ट करना पड़ेगा ये देखिए ए बी और सी का ऑप्शन है इधर तो अभी मैं इसको सी पर सेलेक्ट कर दूंगा सी पर सेलेक्ट कर दिया आपने अभी जाएंगे नेक्स्ट नेक्स्ट है लॉक इसको आपको कुछ नहीं करना है यह है टाइम सेटिंग के लिए अगर आपको ट्वेंटी फोर आवर्स रखना है तो इसको एज इट इज छोड़ दीजिए आपको अगर टाइम चेंज करना जब नया मशीन लेंगे तो हो सकता है क्योंकि फ्रांस से इंपोर्ट होकर आता है तो टाइम शायद इंडियन टाइम के हिसाब से नहीं रहेगा तो आपका वॉच का टाइम देख के आप इसको है ना अप एंड डाउन करके इसको सेट कर सकते हैं अभी हमारे यहाँ सेवनटीन हुआ है तो हम सेवनटीन ही रखेंगे इसको ये यूनिट है कि आपको प्रेशर कौन से यूनिट में दिखाना है सेंटीमीटर स्ट्रो में दिखाना है सेंटीमीटर स्ट्रो में ये ही, ही रखना है इसको कुछ चेंज नहीं करना है बस और आपको ये होम बटन दबा देना है बस इतना ही सेटिंग है इसके अंदर आपको केवल प्रेशर सेटिंग आपका प्रिस्क्रिप्शन से मैच करना है और दूसरा आपको मास टाइप सेट कर लेना है ट्यूबिंग टाइप सेट कर लेना है और सीसी प्लस वाला जो विंडो है वहां पर आपको वन या टू पर सेट कर लेना है इसके बाद में करेक्ट करने के लिए आपको मशीन का भी सेटिंग हो गया है अभी आपको क्या करना है मशीन के पीछे वाला जो हिस्सा है ये यहाँ वाले हिस्से में ट्यूब का एक हिस्सा आप कीजिए ट्यूब का दूसरा हिस्सा जो है वो यहां पर आपको मास में ऐसे कनेक्ट कर देना है मास्क को हमेशा यहां से पकड़ के फिर कनेक्ट करना है अभी आप मास कनेक्ट कैसे करना है वो आपको बता देंगे अभी सपोज कीजिए कर लीजिए कि ये आपका चेहरा है मास्क को ऐसा पकड़ना है आपको ना ये नेजल मास्क ये तो आपको केवल नाक पर रखना है नाक में मतलब ये वाला जो हिस्सा है ये बॉटम जो हिस्सा है वो आपका होठ पर आएगा और नाक आपका ऐसा कवर हो जाएगा यहाँ से आपको ज़्यादा प्रेस नहीं करना है ये दोनों साइड में क्लिप है इसके तो क्लिप से आपको ऐसा सिंपली लॉक कर देना है लॉक करने के बाद मैं बताता हूँ कि आपको इसके अंदर तो क्या करना रहता है ये दोनों साइड से आपको स्ट्रैप को पकड़िए ऐसा और टाइट कर दीजिए नीचे का भी दोनों साइड से आपको स्ट्रैप को पकड़ना है दोनों साइड से स्ट्रैप को पकड़ना है और इस तरह से आपको टाइट कर देना है ये मास्क ज्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए ज्यादा लूज भी नहीं होना चाहिए कंफर्टेबल होना चाहिए जिससे यहाँ पे कोई मार्क ना आए और मास्क पहनने से पहले हर रात को आपको एक बार फेस वॉश करके फिर मास्क पहनना है ताकि आपका ऑयल और डर्ट जो फेस पर अटका हुआ है वो सब निकल जाए बस आपको ऐसे लगाना है और डॉक्टर ने जितना घंटे आपको नाइट में यूज़ करने के लिए बोला है उतना घंटे आपको यूज़ करना है मास्क को नाइट में ऐसे लगा लेना है और ये मास्क लगाने के बाद में आपको मशीन को ऑन कर देना है यहाँ से प्रेस करेंगे मशीन ऑन हो जाएगा अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे मशीन में प्रेशर फोर का दिखाई देगा थोड़ी देर में ये फोर प्रेशर जो दिखाई दे रहा है ये फोर पर ही स्टार्ट होगा मशीन थोड़ी देर में शायद ये बंद भी हो जाएगा क्योंकि ये तो डमी है तो सांस नहीं लेगा तो आपको ऐसा ऑन करके फोर आ गया मतलब आपका मशीन स्टार्ट हो गया और यहाँ पर आप हल्का सा प्रेशर यहाँ पे नोस यहाँ पर मास्क का टिप पे हल्का सा प्रेशर आप फील कर सकते हैं थोड़ी हवा आपको आती रहेगी यहाँ पर तो ये हो गया आपका सेटअप अभी ऐसे ही आप कनेक्ट कर लीजिए और कुछ प्रॉब्लम है तो नीचे दिए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं थैंक यू जब यह मास्क और ट्यूबिंग को आपको अलग करना है तब आप जब ऐसे खींचेंगे तो यह अलग नहीं होगा तो क्या करना देखिए यहाँ पे एक डिजाइन बना हुआ है पकड़ने के लिए दोनों तरफ ट्यूब के यहाँ से आपको ट्यूब को पकड़ना है मास्क को यहां से पकड़ना है थोड़ा सा ट्विस्ट कर देना है ट्विस्ट करते ही आप मशीन मास्क और ट्यूब को अलग कर पाएंगे ठीक इसी तरह जब आप मशीन से ट्यूब को अलग करना चाहेंगे तब भी आप ट्यूब ऐसा जब खींचेंगे तो नहीं निकलेगा और खींचना नहीं है इसको ऐसा पकड़ना है पाइप को ऐसा पकड़ना है नीचे मशीन के पाइप को और हल्का सा ट्विस्ट करने से ये खुल जाएगा इससे क्या होगा आपका ट्यूब भी डैमेज नहीं होगा पाइप डैमेज नहीं होगा मास्क डैमेज नहीं होगा तो प्रॉपरली इसी तरह फॉलो करना है आपका जब रात में मॉर्निंग में जब आप मशीन डिस्कनेक्ट कर रहे हैं ऐसा खोल के मास्क और ट्यूबिंग को आप एक जिप लॉक बैग में रख सकते हैं मशीन को आप जो आपको मशीन के साथ में बैग मिला है उसके अंदर आप डाल के ली सेफ जगह पर रख सकते हैं बच्चे छेड़े नहीं या नीचे गिराए नहीं वैसा आप ध्यान रख सकते हैं। अभी जैसे आपको मशीन मिल गया है मशीन आप डेली यूज कर रहे हैं लेकिन कुछ बातें हैं जो आपको मशीन यूज करने के समय ध्यान रखनी है आपका डिवाइस लॉन्ग लास्टिंग के लिए और सर्विस कम से कम आए उसके लिए तो सबसे पहले मैं बता दूंगा मास्क और ट्यूबिंग का ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है मास्क जो है आपको हर वीक में एक बार वॉश करना है ये जो स्ट्रैप है दोनों स्ट्रैप आप निकाल दीजिए ऐसा केवल ये हिस्सा आप लीजिए इस हिस्से को आप पानी से वॉश कर सकते हैं पानी में सबमर्च मतलब कि अगर पानी आप ले लिया एक बकेट के अंदर बकेट के अंदर या मग के अंदर उसके अंदर आप डाल के ऐसे वॉश करके निकाल सकते हैं वीकली ऐसे वॉश कर सकते हैं अगर ये ज्यादा ही विजिबिली डर्टी दिख रहा है तो आप एक मग के अंदर दो या तीन बूंद विम लिक्विड या ऐसा कोई भी लिक्विड जो है माइल्ड डिटर्जेंट वो डाल सकते हैं एक या दो ड्रॉप और उसको पाँच या सात मिनट के लिए आप सूख करके रख सकते हैं भिगो के रख सकते हैं और उसके बाद में बाहर निकालिए और आप साफ़ पानी से इसको वॉश कर दीजिए एयर ड्राई कीजिए ड्राई मत कीजिए और प्रेफरेबली uh, मॉर्निंग में वॉश कर दीजिए ताकि शाम तक ये आपका uh, सूख कर रेडी रहे आपका यूज़ करने के लिए स्ट्रैप को आपको हर वीक नहीं धोना है स्ट्रैप अगर आपका डर्टी है बहुत गंदा दिख रहा है स्मेल आ रहा है तब आप वॉश कर लीजिए वॉश करने के टाइम पर ऐसा निचोड़ना नहीं है इसको नॉर्मली आपको ऐसा प्लेन वॉश करना है जेंटली वॉश करना है ऐसे वॉश कर दिया इसको भी एयर ड्राई करना है ड्राई नहीं करना है धूप में नहीं देना है ये हो गया वीकली वंस आपको मास्क को वॉश करना है ट्यूब में भी ट्यूब को भी आपको वीकली वंस वॉश करना एक तरफ से पानी डालिए एक तरफ से निकाल दीजिए अगर ज़्यादा गंदा है तो आप सेम जैसा कि मैंने बोला मास्क के लिए एक मग के अंदर या एक बकेट आधा बकेट भर लीजिए एक या दो ड्रॉप उसमें विम लिक्विड डाल दीजिए इसको पाँच से सात मिनट तक सूख कर लीजिए और धो के सुखा दीजिए सुखाने के लिए आपको इसको ऐसे लटका सकते हैं कहीं पर भी आपके घर के अंदर जहाँ भी जगह है ऐसे आप सीधा सुखा दीजिए सुखा दीजिए मॉर्निंग में वॉश कर दीजिए ताकि इवनिंग तक ये ड्राई हो जाए ये हो गया आपका मास्क और ट्यूबिंग का। को आपको चेक करना है बीच बीच में कहीं कहीं पर नेक्स्ट का बता रहा हूं, कहीं से कट वर्क नहीं लगा है, कहीं से बर्न नहीं हुआ है वो खाली आपको चेक कर लेना है समय समय पर अभी मैं नेक्स्ट डिवाइस का बताता हूँ कि डिवाइस का केयर कैसे करना है एवरी डे आप एक कपड़ा लेके इसको साफ कर सकते हैं इसके ऊपर डस्ट या धूल जमा नहीं होगा उससे और मशीन के पीछे में आप देखेंगे कि एक फिल्टर जैसा एक नेट जैसा कुछ है ये कुछ भी नहीं है फिल्टर कैप है इसको आप निकालने के लिए यहाँ से प्रेस कीजिए और ये बाहर निकल जाएगा ये फिल्टर कैप बाहर निकल जाएगा फिर उसके बाद में इस फिल्टर को बाहर निकालिए अगर आप रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि फिल्टर में कुछ ना कुछ डस्ट जमा हो रखा होगा तो अगर इसमें कोई भी डस्ट पार्टिकल है तो आपका वॉश ऐसे डस्ट कर सकते हैं इसको वीकली वंस और इसको फिल्टर को आपको चेंज भी करना है एटलीस्ट वन सीन ए थ्री मंथ्स ये आपको और इस इसमें आपको सीफैम का ही फिल्टर यूज करना है जो भी जिस भी प्रोवाइडर से आपने मशीन खरीदा है उससे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और इसको वापस आप प्लेस कर दीजिए ऐसा और फिल्टर के आपको लगा दीजिए तो ये हो गया आपका डिवाइस का केयर डिवाइस को डेली आप पाइप कर सकते हैं वीकली वंस आपका फिल्टर को डस्ट कर दीजिए वंस इन ए सी मंथ्स आपको फिल्टर को रिप्लेस कर देना है और रिप्लेसमेंट के लिए मास्क भी आपको वन सेन ए सिक्स मंथ्स मैक्सिमम नाइन मंथ्स में रिप्लेस करना ही है ट्यूबिंग को वन सीन ईयर आपको रिप्लेस करना है मतलब नया ट्यूबिंग लेना है और मास्क भी नया लेना है अडेप्टर अगर कहीं से कट नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है अडेप्टर जब तक आप यूज करें आप तब तक यूज कर सकते हैं डिवाइस भी अगर और डिवाइस को कहीं भी आपको पानी में नहीं गिराना है नहीं तो वारंटी वाइड हो जाएगा और डिवाइस नीचे फेंकने से आपका ब्रेक हो सकता है वो करने से भी वारंटी वॉइड हो जाएगा वारंटी में कवर नहीं होगा मशीन धन्यवाद